की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया, आज फिर उसको कह रहा हूँ, रिपीटिशन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक नियम। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिए, 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहाँ खाने का पाचन होता है, हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है, जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है, फिर उसके बाद रस निकलता है। और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए, ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए, ये मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सकें उतना, और मुंह में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे कर करके। आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया, आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह, आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया। ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको, मैंने तो कई लोगों को बताया, साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1.25 साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन इतना जरूर करता, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। ये अद्भुत है, इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है, पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है, और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है, सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करे, भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है, ये गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है, ये गिलास जो है ना यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए
तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है। लोटा, लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं, अच्छे काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर। इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना, सबसे अच्छा। ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं। ना मिले तो विहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे। देखा है ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफेरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रह। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है, तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पर लगाइए थोड़ी देर, और 5 मिनट बाद रुई से पोछिए तो रुई काली हो गई है ना। कैसे? अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया। कैसे बाहर आया? वो दूध में बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है? दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है। तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया, दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा। तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई, और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में, यही सेम। आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है। तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूल व्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा। इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते हैं ना, तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा। तालाब से छोटी एक पोखर होती है, पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा।
नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो लंबी है, तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है, और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का, और सबसे अच्छा पानी लोटे का। लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा। अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे, बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है, माने बूंदें सब गोल हैं, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है। तो ये विश्लेषण लंबा चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पिए। तो लोटे वापस लाए घर में, लोटे ही निकल गए, अब गिलास घुस गए, और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे, खत्म हो गए कि नहीं, कसेरे खत्म हो गए। गांव गांव में कसेरा शब्द समझते हैं, वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं। वो पीतल के लोटे बनाते थे, कांसे के लोटे बनाते थे, सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर में। तो बागवत जी को अगर मानना है तो लोटा लाए, गिलास थोड़े कम करें, पानी लोटे का बहुत अच्छा। आगे बढ़े, पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बैठ के पिए। फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए, और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है, इसलिए ठंडा पानी ना पिए। एक विश्लेषण में पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करे, तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा। पेट ठंडा हुआ तो सारे ऑर्गन्स ठंडे हो सकते हैं और आप मर सकते हैं, तो पानी को पेट गर्म करेगा, फिर आप ये जान लीजिए। और पेट पानी को गर्म करेगा तो अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी उसको, और वो ब्लड में से ही आएगी, तो सारा ब्लड पेट की तरफ दौड़ेगा। और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार, तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा, हार्ट को ब्लड कम होगा, ऑर्गन्स को ब्लड कम होगा, तो वो कमजोरी आने ही वाली है, और हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले। इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। तो हमेशा कैसा पानी पिए, गुनगुना पिए। एक समय के लिए बागवत जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो, आपके यहाँ तो पड़ती है मार्च अप्रैल मई जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए। मिट्टी के घड़े के पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं।